बिक्री भी करते रहे। बस हमारा दायित्व यह बनता है कि हम अपने इस त्यौहार को और कितने मजबूती के साथ, उत्साह के साथ और अधिक से अधिक लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं। आदिवासी समाज एक प्राकृतिक पूजा व्यवस्था पर आस्था रखने वाला समाज है। नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, इन्हीं के उपासक आदिवासी समाज। हम लोगों ने जो एक निर्णय लिया है, इस राज्य की जितनी भी हमारे कल्याण विभाग के स्कूल हैं, हॉस्टल्स हैं, सभी हॉस्टल को उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस परिसर में भी कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं। मुझे पता चला वो बनकर तैयार हुआ। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहां आदिवासी हॉस्टल के बच्चे जो आज के दिन में भी पूरे खपरेल वाले व्यवस्था और जज्जर व्यवस्था में रहने के लिए मजबूर हैं, आज इस जगह पर दो भव्य लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए मल्टी स्टोरेज हॉस्टल बनाने का भी निर्णय सरकार ने लिया है और हमने इस बात को महसूस किया है कि हमारे कल्याण विभाग के हॉस्टलों में जो बच्चे आते हैं वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि उनको घर से ही चावल दाल ला करके अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिल बांटकर खुद खाना बनाकर खाना पड़ता है। बाजार की चीजों पर रोज खर्च नहीं कर पाते। तो सरकार ने अब यह भी निर्णय लिया है, जैसे ही सभी सरकार के छात्रावास बन के कंप्लीट होंगे, उसके बाद से उन छात्रावास में अब सरकार वहां सिक्योरिटी गार्ड भी देगी, रसोईया भी देगी और खाने के लिए बच्चों को अनाज भी देगी। अब आप लोगों को घर से चावल दाल लाने का जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। इसलिए आपकी चिंता खाने पीने से लेकर रहने से लेकर के आपकी पढ़ाई तक की कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पे। खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।